श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा महिला समिति के तत्वाधान में गुरुवार को श्री चित्रगुप्त मंदिर के सभागार में सावन मास को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से ढोलक, मंजीरा, झाल के थाप पर सावन के गीत गाती नजर आई, तो वहीं महिलाओं ने इस मौके पर मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा महिला समिति की पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला समिति की सदस्य रीता श्रीवास्तव ने कहा। रीता श्रीवास्तव हूँ, चित्रगुप्त मंदिर महिला समिति की एक सदस्य। सावन के महीने की शुरुआत हो गई है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और सावन के महीने में महिलाएं विशेष रूप से प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। कहे कि इस विशेष फुहारों में, इस मौसम में एक मन का में अलग सा आनंद आता है। उसी आनंद के लिए आज चित्रगुप्त मंदिर महिला समिति की समस्त महिलाएँ एक साथ इकट्ठा हुई हैं। कोविड काल में बहुत दिनों से हम लोग मिल नहीं पाए थे, तो सावन एक बहाना भी था और सबकी इच्छा भी थी कि सब एक साथ मिलें और मिल करके अपने मन की बात थोड़ी करें, थोड़ा गायन हो, थोड़ा डांस हो, ताकि थोड़ा सा मन में एक बदलाव सा आए। जैसे प्रकृति में हरियाली छा जाती है, वैसे हम सभी के मन में हरियाली छा जाए, उसी को के लिए हम सभी यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं।